अच्छा ये 12 हो गया, ये कितना होता 63, आई माइनस एक्स का ये 5/2, अब बराबर इधर कितना 40, ये नहीं कटेगा ऊपर ऊपर गलती से काट दिए, ये 75 उधर घट जाता, देखिए 75 अगर घट जाता तो इधर लिख देते माइनस 5x/2 अब बराबर 40 माइनस 75 तो माइनस 5x/2 बराबर माइनस 35, माइनस माइनस कट गया अब 5 7 तो एक्स बराबर कहते हैं 14, फिर से बनेगा ये 75 प्लस मुझे माइनस में हो जाते, पहले के हल कर दिया नहीं कर देते हैं 75 दूनी 150 कहते हैं 150 आई माइनस 5x आई हो गया 80 या 180 में कहते हैं अंतर 70 और 5x/70 तो x/14 एक बार और बता दिए y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत हुआ है या आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, अभी फॉर्म भरा रहा जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं भर सकते हैं एनटीपीसी फॉर्म, अंडर ग्रेजुएट अभी निकलने वाला है जो जिसका ग्रेजुएशन है वही भरेगा, कहता है यदि y का 80% अच्छी बहुत बच्चा की दिक्कत है ऐसे बना लीजिए, कितने आंसर आया है गलत है 125% होगा, 125 ही ले परवीन तो केना ही लता नहीं बोलो तो अच्छा y गुने 80% बटा 100 बराबर कितने एक्स नहीं थे बने लो, चलो ठीक है तब अब यहाँ से काट देते ही 4 25 और ये 5 25 कोई दिक्कत नहीं ना, इस एक्स को इधर चाहे वाई को उधर ले चल जाते हैं, देखिए आपका बटा 4/5 इधर क्या हो गया x/y अच्छा इधर गुना में इधर जा क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अब आपको क्वेश्चन कह रहा एक्स का कितना परसेंट हुआ है, एक्स का कितना परसेंट हुआ है जिसमें का लगेगा उसको नीचे रखेंगे तो एक्स का अच्छा अनुपात में बताए थे जो इसके सामने में होगा उसका मान होगा एक्स का, तो एक्स का चल गया तो एक्स नीचे में आ जाएगा, एक्स नीचे में हो गया कहता एक्स का कितना परसेंट वाई होगा, वाई का मान कितने 5 परसेंट बदलते काट दीजिए 25 25 25 कहते 125% कहते हो गया कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार फिर बता दे से लिख लिया अच्छा ये देखिए बात नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा फिर से बताएंगे, कहता पीक 5% 10 है, एक बार बेसिक पहले बता देते इधर देखिए पीक 5% क्या है 10 है तो देखिए पी का मीन्स क्या होगा 5% 10 है इसका मतलब ये 10 हो जाता, कल बताए कोई भी मान दिया होगा कुल 100% होगा, 5% के वैल्यू 10 है तो 100% के वैल्यू कितने हो जाता 200 नहीं होता नहीं तो यहां समझ चलिए पी या गुने काट मतलब गुना हो गया परसेंट हटाते इसको काट दीजिए ऊपर ऊपर कितने बार में तो पीक मान कितने यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत है, ये तो बेसिक सूर्य सिखा रहे हैं दो तीन दिन से, और क्यू का मान क्यू जो है क्यू का 10% कितने 5 है यही ना 100 कट गया तो क्यू बराबर 10/25 नीचे गुना हो गया, अब क्वेश्चन में आपको ये कहता है जो क्यू और आर बराबर है क्या है क्यू और आर बराबर है नहीं सॉरी आर बराबर क्या है आर बराबर क्यू बाय पी, क्वेश्चन में कह रहा है तो क्यू की जगह क्या रख दे 50 आर पी की जगह 200 आर का मान कितने 1/4 दिक्कत है यही आंसर हो गया ऑप्शन है लिख लीजिए इतना